हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हुए हैं खेतों में, सुबह का टाइम है और पानी भी बरस रहा है। देखिए छतरी हम लिए हुए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो छतरी लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना हम धीरे धीरे भीग जाएंगे। अभी हम खेतों की ही तरफ चल रहे हैं, आप भी देखिए खेत, हरियाली तो बहुत है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है नज़ारा खेतों का, दूर दूर तक हरा हरा दिख रहा है। बारिश हो रही थी इसलिए खेतों में पानी भर चुका है, ये देखिए। और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। भैया तम्बाकू वम्बाकू नहीं बेचते हैं क्या? बेचते हैं भाई। अच्छा, तो आज बाजार नहीं है क्या? अरे हंस क्यों रहे हो भाई, बोलो। बाजार आज कहाँ लगेगा भाई। अच्छा, छतरी वहाँ पर है और आप भीग रहे हैं, ऐसा क्यों? अब भीगने का समय है तो भीग रहे हैं। अच्छा चलिए, ये देखिए यहाँ का रोड बन चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, रोडों के अगल बगल हरियाली बहुत है, कीचड़ तो लगेगा नहीं क्योंकि रोड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। असली मज़ा तो गांव में ही होता है। तो दोस्तों हम छतरी को निकाल दिए हैं क्योंकि बारिश बहुत हल्की हो गई है, इतने से हम भीगेंगे नहीं, इसलिए हम छतरी को हाथ में ले लिए हैं। छतरी भी मेरी टूटी हुई है, कल मैंने आपको बताया था, इसलिए सोचा पकड़े पकड़े हाथ दर्द होने लगता है, इसलिए हम छतरी को नीचे कर दिए। और ये देखिए धान लगे हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है यहाँ से खेतों का। अभी हम चलते हैं आगे, अपना भी खेत दिखाएंगे। ये मेरा खेत है, ये देखिए। अभी कुछ दिन पहले खाद इसमें, कल मैंने बताया था खाद इसमें डल चुका है। हरियाली बहुत है यहाँ पर, रोज हम घर पर वीडियो बना रहे थे इसलिए हमने सोचा आज बाहर निकलकर वीडियो बनाएं। इससे पहले वाले ब्लॉग में हम तालाब पर गए थे तो तालाब को हम दिखाए थे अपने, और मछलियों को भी दिखाए थे पकड़वाकर। आज हम खेत में आए हैं तो सोचा आप लोगों को खेत ही दिखा दें। यहाँ पर हरियाली की तो बात ही अलग है, एकदम हरियाली है यहाँ पर। अभी हम चलते हैं, एक तालाब है पानी से भरा हुआ है फुलाफुल, उसको भी आपको दिखाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है दो तीन दिनों से लगातार, तो भरना तो लाजमी ही है। हल्की फुल्की बारिश और चिड़िया चू चू कर रही हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है सब सुनकर। देखिए यहाँ पर पहले सांप रहते थे, अब रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ। इसका जो बीच वाला है बराबर हो चुका है, सीधे ऐसे बांध था सीधे, ये मिल चुके हैं, पानी के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, पानी जब कम होगा तो दिखाई देगा। अबे कुर्रा कूदा है का? बारिश थोड़ा तेज होने लगी है तो हम छतरी को जा रहे हैं खोलने। और हम छतरी को लगा लिए हैं सर के ऊपर, और ये है मशीन इंजन, इसी से खेतों में पानी चलाया जाता है क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो मशीन का बहुत ही काम लगता है, खेतों में पानी चलाने के लिए यूज किया जाता है। इसको ढक दिया गया है ताकि पानी ऊपर पड़े ना, इंजन ख़राब ना हो। ये देखिए यहाँ से सड़ चुका है मुरचा लगकर, और ये सेक्शन है, और यहाँ से पानी पीछे भी आता है, और नहीं मे भी पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ से पानी पीछे आता है। तो दोस्तों
हम घर की तरफ चल रहे हैं। छतरी को हम फिर से निकाल दिए हैं क्योंकि बारिश तेज़ है, लेकिन हम छतरी को निकाल दिए हैं क्योंकि वीडियो इससे थोड़ा खूबसूरत आता है। छतरी ऊपर लगी रहती है तो थोड़ा हरियाली नहीं दिख पाती है, और मोबाइल को तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि पानी बरस रहा है। थोड़ा बहुत होगा, पानी लग जाएगा स्क्रीन पर, लेकिन हम उसको साफ़ कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो हम चलते हैं अब घर की तरफ। जो कुछ रास्ते में रहेगा हम आप सबको दिखा देंगे। तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गेहूँ की खेती जो होती है सबसे आसान खेती होती है, और जो धान की खेती होती है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बिया को पहले लाओ खरीद कर, फिर उसको बिठाओ, फिर बिया काटो, फिर धान को बिठवाओ। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें बहुत ही आदमी लगते हैं। गेहूँ की खेती में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, बिया ले आओ और छिटवा दो, और फिर उसके बाद जुतवा दो रोटावेटर से। ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, लेकिन धान को तो पानी देना पड़ेगा भाई, वरना धान कहाँ से पैदा होगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है हल्की फुल्की, क्योंकि दो दिन बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, दो या तीन दिन, और आज भी हो रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम घर की तरफ चल रहे हैं। अभी यहाँ से तो रोड बहुत बढ़िया है, आगे से एकदम कीचड़ वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें संभल संभल कर चलना पड़ेगा, वरना हम गिर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जा रहा है स्टार्ट होने, आगे बहुत ख़राब है क्योंकि सब कच्चा है, घास जमी हुई है ऊपर, इसलिए थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, हम घासों पे से चलेंगे। अगल बगल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों हमने आपको गांव के खेतों का वीडियो दिखा दिया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो जाकर बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।